हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं यहाँ पे किसी काम था आया था, मतलब ये तुम समझ लो कि मेरे तक जबरदस्ती ये चीज़ बनवाई जा रही है, ये व्लॉग जबरदस्ती शूट करवाया जा रहा है कि ये अपनी वीडियो शूट करा था अपने चैनल की, इसने इसको अपनी BMW भगा के देखी। 100 किलोमीटर पर कितने का करा है, 100 मीटर ना 10 सेकंड में कितनी स्पीड पर चली जा रहा है, 10 सेकंड में इसकी चली गई 100 तक ऊपर स्पीड, ऐसा होया करा कुछ, पता ना क्या सिस्टम था। तो मैंने इससे पूछी जनरली, मैंने कहा क्या करो भाई, गोलगप्पे गोलगप्पे खाने लग रहे, जत्ते नारे पटियाला वटियाले सारे खड़े हो गए अपना गोलगप्पे खाने लग रहे। तो नू कह रहे मैं आया स्कॉर्पियो ले गए, नू कह रहे लुक तो बढ़िया है इसका, आज एक बार रेस लगा देख। मैं कह रहा यार यो क्या बात हुई, BMW और स्कॉर्पियो का कोई रेस का तुक बनता नहीं है कायदे से देखा जाए तो। वो 50 लाख की हो, 15 लाख की, मतलब ये अपनी तो 20 लाख के, 5 लाख ऊपर एक्स्ट्रा लगा रखे हैं इसमें, ऐसे 15 की तो ना है खैर, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता भाई चीज का कि वो तेज भगेगी जो नीचे भगेगी, पर फिर भी नुकारा कि रेस लगा के देखेंगे, रेस लगा देंगे। मैंने कहा चल ठीक है, अगर लगा ही रहे हैं तो शूट हो जाए, देखा कितनी नुकारा कि इसे ना कम से कम भी आधा पीछे, मतलब जैसे मान लो अगर वो जाएगी यहाँ तक 10 दूर तो ये 5 जाएगी, कह रहे आधा पीछे छोड़ दूंगा। मैंने कहा इतनी दूर तो ना रहेगी, अब देखते हैं क्या रहता है। BMW वर्सेस स्कॉर्पियो, हाँ भाई रेडी कितने मैं अपनी चलाऊंगा स्कॉर्पियो, कितनी भी अच्छा ब्रो, हबीबी लगा ले, हबीबी ये लो हबीबी, कितनी भी छोड़ देगा, मैं छोड़ दूंगा 500 मीटर, कितनी दूर में 500 मीटर का तो रोड ही ना है, पांच सौ मीटर पे तो उस बिल्डिंग में टक्कर मार देंगे उस वाली पे, तो थोड़ी बहुत तो रहेगी। तो फिर एक काम कर लूँ, सिर्फ 500 मीटर आगे ले जा खड़ी कर दूँ, यहाँ तो यहाँ तो भगना शुरू करियो ना भाई, मैं सही ना कह रहा हूँ, ना अपने तू कैसी चला, मैं कैसी चलाऊं, ठीक है ठीक है, हाँ अपनी में तो एक ही है ना, हमारी में तो है, हम बता हमें क्यों बता ना, हम तो ठीक है, देखते हैं कितनी पीछे छोड़ देगा, ज्यादा ज्यादा हद मार के बताऊं कितनी पीछे छोड़ देगा, हद मार क्योंकि भाई बिल्कुल ही एक तरफ ना, इतना भी ना, थोड़ा सा इससे ज्यादा लगा ले कि जैसा इस गाड़ी तो लेके यहाँ तक लेके और यहाँ तक देर की ओके, मतलब कितनी यो लगा ले कि यो पेड़ जो सामने पेड़ है जो यो जो पेड़ है यो इतने यो ना, हाँ वो जो व्हाइट कंपनी है उसके सामने पेड़ है, हाँ उस पेड़ पे जो व्हाइट बोर्ड से लग रहा है, हाँ देखो भाई यहाँ तक भगाएंगे, और यो जो पेड़ पे जो व्हाइट बोर्ड से लग रहा है ना, यो यहाँ तक की रेस है ठीक है, इस कट पे जब मोड़ेगा जब ध्यान तक मोड़ेगा मेरा आगे उड़ जावे आकर, ठीक है ऐसे ही है हमारी, ऐसी है इसका देखियो, सुन टायर इतना मोटा है छाती में टायर भी रख सके, हाँ तो जभी तो कह रहा हूँ, जभी तो कह रहा हूँ कभी पता चला हमारी गाड़ी के नीचे आगे हमारे वो है कि पैर वैर के नीचे आगे चितका, तो हमारे ठीक है ठीक है, चल तो आ जा भाई पटियाला करे रेडी, पर और शूट कैसे करेंगे पहले नू बताओ यार, हमने ये कोई प्री प्लान्ड वो नहीं था कि हम ऐसा रेस लगाएंगे, पर एकदम तो प्लान बनेगा तो ठीक है, शूट ही हो रहा है ना, कैमरा रखा गाड़ी में, कैमरा तो रखा पर कैमरा का वहाँ खड़ा होएगा कैमरा पहले हैं, तो फिर एक काम कर, हाँ तू एक काम कर मनीष, तुम दोनों जाओ इसने वहाँ छोड़ के इन्हें मोड़ के लिए वापस गाड़ी है ठीक है, वही है ना वैसे कैमरा तो, हाँ बस बात है तू जब समझ जाओ जब गाड़ी चलने लगा जब तू ऑन करके रखियो, और एक गाड़ी ऐसे निकलेगी दूसरी ऐसे निकलेगी, हाँ ठीक है, दो गाड़ी निकलेगी तीसरी नू देख लिया कभी ऊपर जाओ, ठीक है साइड में रहियो और बीच में मत रहियो, जो थोड़ा सा एक्साइटेड ज्यादा हो जाए, कई बार गोवा में शूट कर रहे भाई सीन ऐसा था कि पहले फॉर्च्यूनर निकलेगी फिर दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो निकलेगी फिर फॉर्च्यूनर, ऐसा करके गाड़ी निकलेगी दो तीन, तो जो ऐसा रोड के बीच में जाके, अरे नू बिल्कुल टायर इसका यहाँ तक गया, इसका अभी भी टायर इसके कान ऐसा गया, पर कैमरा ना छोटा नू लेके खड़ा रहा कांप का पूरा, गिरते गिरते कहते भाई देख लो कैमरा सही है कई बार ऐसा हुआ है, बढ़िया भाई बढ़िया, कई बार ऐसा हुआ कि करते करते गिर गया कैमरा ऐसा हाथ में, अगर भाई कैमरा नहीं गिरने दिया, मैंने कहा ठीक है तेरे लगी तो ना ठीक है, चल तो देखते हैं भाई वहाँ पे वो कैमरा रहेगा, यहाँ पे एक कैमरा हम यहाँ तक शुरू कर देंगे, पटेल तेरे यहाँ तक संभालना पड़ेगा फिर यार एक बार कैमरा है, पर बीच में फिर मैंने फोन चाहिएगा यार, मैं कैसे करूँगा बिना उसके शूट कैसे करूँगा, अच्छा भाई देखो इतनी छोटी सी रेस है तो इसमें फोन तो मैं करना सको यूज है ना, क्योंकि मैंने पूरा ध्यान उस पर देना पड़ेगा ना भगाने पे एकदम, तक कहीं पता चला आपस में दोनों गाड़ी की टक्कर भी तो ना करवा सके रस्ते में अगर टक्कर हो गए दोनों का अपना नुकसान है, फायदा ना उस चीज़ का कोई, तो देखते हैं जैसे भी रहेगा देखते हैं, अभी उसे हो जान दो पहले तो, ओहो रॉन्ग साइड लेकर आएगा इसने, यो यहाँ छोड़ दिया बहुत दूर है, यो कैमरे में तुम्हें पास लग रहा होगा, यो है कम से कम भी 300-400 मीटर दूर होगा मेरे ख्याल में, 300 मीटर होगा ना, हाँ 300 मीटर तो होएगा, पर कोई ना इतनी लंबी रेस तो बहुत होएगा रे, वैसे तो देखो कितनी तेज आ रही है ये, इसकी तो लाइट लुपचुप क्यों कर रही है पटियाला इसकी BMW की, अरे स्टंट दिखा रहा है यहाँ पूरे पूरे गाड़ी तो यार, देख नीची गाड़ी का यो तो फायदा है कि भाई बात बना है एकदम तेज भगा, मैं भी कई बार भगाई है तो फिर मैंने भी रहा है, पर चलो देखते हैं आज किस्मत आजमा के, देखते भी इसकी अभी की है भाई, इसमें जेब में चाप भी रखी थी पिछली जेब में निकाल रहा हूँ, अभी कहाँ फंस गई, एक सेकेंड नहीं है ना, हाँ तैयार हूँ भाई, बैठ लिया पर पटियाला लेंगे, ले भाई पटियाला से अपना शूट कर रहा ना, हाँ
ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਟ ਤੋਂ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਚਾਹ ਯਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਨਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨਮਕੀਨ ਭਰਵਾ ਲਾਇਆ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਏ ਯੋ ਖਾਣ ਲੱਗ ਰਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੋ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਰੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਈਡ ਮੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੋਟੀ ਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋ ਉਹ ਮੋਟੀ ਛੋਰੀ ਖੜੀ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਸ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਐਸ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਨਾ ਓਏ ਐਸਾ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰ ਆਪਣਾ ਖਾਓ ਦਬਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਪਤਲਾ ਇਹ ਪਤਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹੀਂ ਲਗਾ ਲੇ ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿਸ ਕੋ ਦੀ ਆ ਹਮ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਭਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਪਟਿਆਲ ਤੂੰ ਇੰਗਨ ਆ ਜਾ ਫਿਰ 0.5 ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਂ ਨਾ 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 ਉਸ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਟਨ ਸੀ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਚੱਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੂੰ ਇੰਗਨ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾ ਨਾ ਵਾਂ ਚੀਕੂ ਕੋ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਾਡੀ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਆਏਗੀ ਜਾਵੇ ਗਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਰਾਤੀ ਉੜ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਟ ਮਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਿੰਟ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੜਨ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਗਾਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਓ ਬੁਲੈਰੋ ਗਈ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ 100 ਕੀ ਸਪੀਡ ਤੇ आ जाऊ ओ जब मैं नू करूंगा ना जब मैं नू कर दू नू तो चालू है ठीक है एक दो चले रुक तो जा एक हट जाऊंगा मैं हट जाऊंगा एक दो तीन ओ भाई भाई साहब रुक के आराम तो थोड़ा ओ भाई ज्यादा दूर तो नहीं है ज्यादा दूर तो नहीं है ये BMW तो बहुत आगे निकल गई यार अरे यार हबीबी ज्यादा दूर तो ना गई मतलब पीछे ना रही यार इससे इतना अब देखते हैं आगे जाके क्या रहता है वो ही बताएंगे दूसरा कैमरा वो लगा रखा है हमने हमारा भाई वहाँ खड़ा होकर शूट कर रहा है हाँ भाई यार ये तो सरासर बेइज्जती होगी इधर यार ज्यादा दूर थोड़ी रही है ज्यादा दूर तो ना थी पर रेस में तो ज्यादा दूर की ना थी पता क्या दिक्कत आई वो देखो देख ऐठ में बात मैं बताऊं बग तो ज्यादा दूर जाती हो पर इसमें दिक्कत क्या आई कि मैं गियर चेंज कर रहा पहले गियर के बाद मैं लगा रहा हूं दूसरा इतने देर में वैसे चला गया मैं आगे तो मैं क्यों के हुआ आ जा घुमा के लिया इंगा नहीं लिया इंगा नहीं है बलैरो चली गई थी ना 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 भाई मैं बताऊं क्या दिक्कत है सिर्फ ऑटोमेटिक और उसकी मैनुअल की दिक्कत है क्योंकि गियर चेंज करे ना तब दिक्कत आवे या तो अच्छा मैंने ध्यान ना करा यार अरे भाई भाई सच बता रहा हूँ सिर्फ अगर ये ऑटोमेटिक होती तो ये भी जीत जाती तो इसका मतलब जो फॉर्च्यूनर है जो ऑटोमेटिक वाली वो हरा सके BMW ने मेरे हिसाब से हरा सके पता ना हरा सके ना हरा देगी लेजेंडर और फॉर्च्यूनर ये हरा देगी मतलब उसने मतलब टक्कर की रेस होएगी एलविश वाली गाड़ी तो बात हुई थी हमारी रेस करेंगे देखते हैं अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कि BMW तो मैं हरा दूंगा इस मतलब रेस लगा लूंगा हारूंगा या हरा दूंगा वो बाद की बात है इस तरह लगा सकूं जब लगाएंगे रेस अभी ना लगा पर इस तरह लगा सकूं यार यो थोड़ा सा वैसा है यो डराने के लिए डराने धमकाने के लिए वो कर सकते हो तुम यूज उस काम के लिए आयो कि खड़ी ओड ऐसा लगा कि वो भाई यो कुछ खड़ा किसी खतरनाक आदमी की चीज खड़ी है पर रेस वेस के लिए ना है यो शौकीन तौर पर है ठीक है रेस के लिए हमारी यो है अब यो रेस के लिए गाड़ी सिलेक्ट होगी ठीक है भाई है इस तरह बनेगी बात स्कॉर्पियो तो ना बनेगी लेजेंडर की बात जब की मेरी बात चली थी स्कॉर्पियो तो लुक में आ जाओ लेजेंडर ना खड़ी कर लो और हमारी अभी भी खड़ी कर लो लुक में आ जाओ तुम वो चीज है बस की लुक लगे प्यारी और तो भाई देखो फर्क तो पड़े ही है यार कोई गाड़ी 50 लाख की कोई उतने की तो उस चीज का फर्क है बस अभी इस तरह देखते हैं ये आएगी इसमें बनेगी बात है ठीक है चलो फिलहाल के लिए जो लोग हमारे एकदम तो प्लान बन गया था शूट करने का तो BMW के लाइक कर देना और उसकी हबीबी की लुक के लिए कमेंट शेयर कर देना ठीक है अगले ब्लॉग में मिलते हैं बाय बाय।